दुकान ही बिक गई भाई हमारे आने से पहले। ये पूरी सीढ़िया भाई शैली शैल चिपके पड़े हर जगह, सबका जी खराब हो रखा है इस टाइम पे। ऐसे ऐसे हुए देखो भाई, ओए बहुत ज्यादा है भाई। ओ भाई वो तेरी देखना भाई साहब, लिटरली यू 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 हो रही है। इसको मारो पहले, इसको उड़ा दो। चेस का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं। रोनाल्डो भी आपके साथ ही खेलता था। रोनाल्डो चेस खेलता है? फुटबॉल खेलने के बाद में। जाओ बेइज्जती होगी क्या, रोनाल्डो चेस खेलता है। लो जी, लो मिल लिए भाई से, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, कैसे चल रही ट्रिप? एकदम बढ़िया। तो लो जी, वॉकिंग स्ट्रीट की एंट्रेंस है अपनी यहाँ से। ये जो बड़ा सा गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से शुरू होगी। लगभग 1.5 किलोमीटर की पूरी लेन है। तो जी वो खड़ी है अपनी बीस्ट माफिया कार। चाबी एक उसमें है ना, पाउच में, मेरे बैग वाले में। तो अभी वैसे ना इसको ले जाना है या नहीं ले जाना वो कंफर्म नहीं है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिलहाल तो अभी हम चेक करने आए कि ठीक ठाक खड़ी है ना गाड़ी, बस कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट फूड की बहुत सारी रेडिया वगैरह लगी रहती है यहाँ पे। देखो अभी तो सुबह ही हुई है, मतलब 11:30-11 बजे भी काफी अच्छी खासी यहाँ पे खाने पीने की चीजें मिल जाती है भाई। ये देखो भाई, सी फूड कितना सारा टांग रखा है यहाँ पे, काफी वैरायटी मिल जाती है खाने पीने की। बाकी यार, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 4 अप्रैल 2024। मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर पत्ताया या पट्टिया, जो भी बोलो आप उसको। बाकी आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 11 कंट्रीज कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसी भैया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर देना। कुछ इस तरह की रोड है भाई, जहाँ पे हमारा होटल है, मतलब वॉकिंग स्ट्रीट से जस्ट 100-200 मीटर की दूरी पे ही है। सब कुछ चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी, फूड वगैरह। ये देखो भाई हल्का है यहाँ पे वो भाई साहब। अच्छा, अभी ऑडियो क्वालिटी आपको कुछ खास नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा। कल पानी चला गया था इसके पोर्ट में, तो माइक और चार्जर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, बट हो जाना चाहिए शाम तक ठीक। तो अभी कुछ टाइम के लिए जरा ऑडियो क्वालिटी को मैनेज कर लेना, फिर जब जैसी माइक चलेगा तो सही हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, बहुत शोर मचा रहे हैं ये लोग। कितना शोर है भाई, कितना शोर है। अरे यार चलो अंदर, तोड़ना थोड़ी है, बंद है वो। आज तो भाई व्लॉग की शुरुआत ही ऐसे शोरों से हुई है पूरी तरह से। तो वो रेस्टोरेंट बंद था जहाँ पे हमने कल खाया था दालचीनी, अभी किसी और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना वाना खाते हैं। ये देखो भाई, अनारकली इंडियन मुजरा क्लब, और साथ में ढाबा भी एक। तो यहाँ देखते हैं खुला कि नहीं। ये तो बंद है भाई, बिक गई दुकान ही, बिक गई भाई हमारे आने से पहले। चलो बहुत है यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट, टेंशन की बात नहीं है, खाली पेट नहीं रहोगे आज तुम। तो भाई ये मिल गया अनलिमिटेड इंडियन फूड, देखते हैं क्या भाई। यहाँ पे ज्यादा कुछ तो मिल नहीं रहा था, भिंडी खाने का मन था, बट हमने राजमा राइस और एक कढ़ी राइस दोनों ले लिया। जो अच्छा लगेगा फिर एक एक और रिपीट कर लेंगे उस हिसाब से। 99 भात का है, मतलब लगभग 250 रुपए। तो हम गया अभी शेक लेने के लिए बाहर से, इनके पास शेक था नहीं क्योंकि। अच्छा बाकी यार, पटाया में ना काफी सारे बीचेस है, बट लोग ज्यादातर ना ये पटाया बीच और एक दो बीच जो है वहां चले जाते हैं। बट यहाँ से ना एक स्पीड बोट जाती है आईलैंड की तरफ, जिसका नाम है कोरल आईलैंड। वहाँ के बीचेस भाई बहुत सुंदर और साफ सुथरे है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के कोरल बीच जरूर जाना स्पीड बोट में, और वहां के बीच एंजॉय करना। तो हम भी आज वहीं जा रहे हैं, आपको पूरा दिखाएंगे कोरल बीच में जाने का पूरा प्रोसीजर क्या है, खर्चा क्या आएगा, और वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज है, और फिर वापसी वूपसी का भी पूरा सेम। और रात को जाएंगे हम वॉकिंग स्ट्रीट, जो यहाँ का मोस्ट फेमस जगह है। अभी अभी खुला है लग रहा है ये रेस्टोरेंट, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो इतनी सिटिंग है और वहां पे किचन बनी हुई है। तो जी राजमा चावल तो आ गए, कढ़ी चावल 10-15 मिनट कह रहे हैं वो। चलो जी चलो, 305 थाई बात का बिल आया, जो कि अराउंड 800 रुपए के आसपास बनता है। अब चलते हैं भाई, 12:47 हो गए हैं, जो फेरी का टाइम है मेरे को पता था पहले भी उतने बजे का था। 2 बजे की दोपहर की फेरी है जो 30 मिनट में पहुंचा देती है, तो इसलिए आज थोड़ा लेट ही उठे। हालांकि उठ तो हम सुबह जल्दी ही गए थे, लेट निकले हैं वहां से। और अभी सोहन ड्रोन भी ले आया है वहां पे कोरल आइलैंड में, भाई ड्रोन उड़ाएंगे, मस्त व्यूज है क्योंकि वहां के ना तगड़े वाले। तो जो डॉकयार्ड है ना जहां से फेरी या स्पीड बोट मिलती है, वो भाई वॉकिंग स्ट्रीट के ना बिल्कुल खत्म होते ही शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये ज्यादा दूर नहीं है।
है, जो आपने सिनेमैटिक्स देखे ना भाई, पूरी की पूरी वॉकिंग स्ट्रीट थी। दिन के टाइम पे यहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ बंद पड़ा होता है। शाम को फिर 5-6 बजे के बाद जो है ना, सारे क्लब्स जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब चालू होने लग जाती है। वैसे रोड पे ही लड़कियाँ वड़कियाँ भी बहुत दिखती है, तो वो हम शाम को विजिट करेंगे यहाँ पर, तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल वॉकिंग स्ट्रीट एंड हो गई है और इसी एंड पे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ से स्पीड बोट और फेरी चलती है। यहीं पे देखो ये लोग मिल जाएंगे जो फेरी और बोट्स की टिकट सेल कर रहे हैं। बट यहाँ से मत लेना भाई, सीधा जाओ डॉक यार्ड पे और वहीं से ही लेना, वहाँ से आपको सस्ती पड़ेगी काफ़ी। तो वो देखो सामने दिख रही है काफ़ी सारी बोट्स वगैरह, तो यहीं पर टिकट काउंटर लगे होते हैं। बाकी इस पोर्ट का नाम है बाली हाइर पियर, BALIHIERPIER। तो गूगल मैप पर डालोगे सीधा यहीं पर आ जाओगे भाई। उसके बाद आप, भीड़ बहुत है भाई लोगों की जाने के लिए, और काफ़ी सारे यहाँ एजेंट्स टाइप भी है। एंड इधर देखो कितनी सारी स्पीड बोट्स भी खड़ी हुई है और काफ़ी सारे, लेकिन हमें वो दूर दिख रहा है आपको ब्रिज सा है, वहाँ जाना है। ये देखो ये भी उसके लिए पूछने आए थे स्पीड बोट। नो थैंक यू। चश्मे वश्मे भी मिल रहे हैं, थैंक यू। तो हम तो बोलते हैं कोरल आइलैंड, लेकिन वैसे इनकी भी भाषा में बोलते हैं कोहरान करके, कोहरान हाँ ऐसी था कुछ। तो देखो यहाँ से कोरल आइलैंड तक जाने के ना आपके पास टोटल 3 तरीके हैं। सबसे पहला आप यहाँ से पूरा डे टूर का पैकेज ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 1500 या 1600 थाई बात, यानी कि मोटा मोटा 4000 रुपये के आसपास। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप भी होता है, तो वो पैकेज है। आपको बहुत सारी टूर एजेंसी मिल जाएगी जो बेच रही होती है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है स्पीड बोट के थ्रू जाना, और तीसरा ऑप्शन है फेरी के थ्रू जाना। तो स्पीड बोट देखो इस तरह की होती है भाई, ये छोटी छोटी सी, इसमें एक बोट में अराउंड 8-10 लोग ही जा पाते हैं, और काफ़ी सारी बोट्स है। आपको दिख रहा होगा पीछे पताया सिटी का बोर्ड भी है, वो वाला फेमस। तो इस तरह से ना ये बने हुए भाई स्पीड बोट पियर 1, 2, 3, 4। तो ब्रिज स्टार्ट होते ही स्पीड बोट का पूरा एरिया है ये। जैसे अगर आपने कोई टिकट बुक कर रखी है या फिर टूर ले रखा है, तो वो आपकी टिकट में ना मेंशन कर देंगे कि आपको कौन से नंबर पियर से अपना चढ़ना है। तो उस नंबर पियर पे आओ, अपनी टिकट दिखाओ और स्पीड बोट पे चढ़ के चले जाओ कोरल आइलैंड। दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास आता है कि आप यहाँ आके भी जो है वो स्पीड बोट की टिकट खरीद सकते हो। एक टिकट की जो कीमत है वो है एक तरफ की भाई 200 थाई बात, 200 थाई बात के अराउंड, मतलब 500 रुपए के आसपास हो गया एक तरफ की। आना जाना 1000 रुपए तो हो गए टिकट के। बट ये स्पीड बोट ना आपको सिर्फ और सिर्फ भाई 15 मिनट में यहाँ पटाया से कोरल आइलैंड तक छोड़ भी देगी। तो फास्ट है थोड़ी प्रोसेस, गर्मी भी बहुत है, पसीने टपक रहे हैं बुरी तरह से। बट इससे भी अगर आपको सस्ता जाना है, सस्ता मतलब बहुत ही सस्ता भाई, तो आप लो फिर पब्लिक फेरी। फेरी का प्राइस कम होता है क्योंकि वो बड़ी साइज होती है, थोड़ी स्लो होती है, और उसमें ज्यादा लोग एक टाइम पे बैठ पाते हैं। फेरी लेती है केवल 30 मिनट, मतलब स्पीड बोट से 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो मैं रेकमेंड करूंगा भाई फेरी से जाओ, समुद्र के भी मजे लेना 30 मिनट तक, और पैसे बहुत बचाओगे। कितने वो मैं बताता हूँ। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे भाई स्पीड बोट के लिए ही है। यहाँ पर कुछ एजेंट्स भी बेच रहे हैं टिकट, उनसे भी आप ले सकते हो, थोड़ी महंगी पड़ेगी। और बिल्कुल जब आप इस ब्रिज के एंड में चले जाओगे ना, वो आपको दिख रहा है, वहाँ से चलती है भाई बड़ी वाली फेरी, जो कि काफ़ी सस्ती होती है भाई। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था 2019 में, तब भी मैंने फेरी ली थी, बहुत पैसे बच गए थे। और इस बार भी हम फेरी ले रहे हैं क्योंकि मज़ा भी आता है फेरी में, नो थैंक यू, और पैसे भी बच जाते हैं। कह रहे फेरी जो है वो 2 बजे चलेगी, तो अभी स्पीड बोट ले लो। मैंने पता है भैया 2 बजे चलेगी, कोई नहीं 20-25 मिनट आधा घंटा और वेट कर लेंगे, बट जाएंगे फेरी से ही। देखो ये लिखा है ना पियर 2 कोहलारन, मतलब कोरल आइलैंड को ये बोलते हैं कोहलारन 1। यहाँ से अब फेरी शुरू होगी आपको, मतलब एक फेरी देखो यहाँ खड़ी हुई है भाई, एक फेरी मेरे राइट में खड़ी है और ये इनका ऑफिस है। अभी आपको मैं टाइमिंग दिखा दूँ भाई पहले फेरी की। सुबह देखो 7 बजे से शुरू होती है, 7 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, 2 बजे है, 3:30 बजे है, 5 बजे है, और 6:30 बजे भी है। और वहाँ से वापस आएगी सुबह 6:30, 7:30, 12:30, 5:30 और 6। तो हम जा रहे हैं भाई 2 बजे वाली फेरी में और वापस आ जाएंगे 6 बजे वाली फेरी में। टिकट है सिर्फ पर पर्सन 30 बात एक तरफ की, यानी आना जाना 60 थाई बात। ये जब जाएंगे तो वापस कौन लेके आएंगे इनको? वो वहीं रहेंगे ना, जो 6:30 बजे यहाँ से जा रही है ना, वो वहीं पे जो रुक रहे हैं लोग होटल लेके, उनके लिए है जिनको अगले दिन आना है। तो 60 थाई बात तो बहुत सस्ती हो गई भाई टिकट, मतलब 150-160 रुपये आना जाना एक तरफ की, मतलब भाई 80 रुपये की टिकट सिर्फ, और कहाँ वो आना जाना इतनी महंगी पड़ रही है स्पीड बोट। तो फेरी लो, मस्त मज़े आएंगे। ये खड़ी है भाई 2 फेरी, एक राइट तरफ इस 9 नंबर और एक इधर खड़ी है 6 नंबर। ये देख लो भाई, तो किसी में भी आप चढ़ सकते हो, टिकट भी ये यहीं पे सेल कर रहे हैं, देख लो आंटी जी बेच रही है ये। और इनके यहाँ कोई नहीं खड़ा टिकट, तो शायद ये बाद में जाएगी, नहीं है 2 बजे का ही टाइम, तो चलो यहाँ पे टिकट बिक रही है तो इन्हीं में बैठ जाते हैं फिर। लेट्स गो जी, लेट्स गो। निकालना भाई पैसे। 2:00 130 130 ओके। हाउ मच फॉर 2?
दो भाई 60 बात दो दे दो चेंज दे देंगे. डू यू हैव चेंज? यू हैव 1 2 3 4 अच्छा 1000 का है. अच्छा ओके okay. भाई सारी बोट में तो टाइम लिखा 2 बजे लेकिन ये कह रहे हैं कि 1:30 बजे चलेगी. रोम पटाया पैसेंजर बोट ये भी है भाई 11 बजे 1 बजे. अच्छा सही है चलो ठीक है. मतलब आपको काफी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे और स्पीड बोट की कोई टाइम नहीं होती भाई. जैसे ही उनके पूरे फुल होते हैं वो ले जाते हैं. तो स्पीड बोट में ये आपका टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. जब मर्जी आओ और चढ़ के चले जाओ. बाकी अभी 60 थाई बात निकाल रहे हैं भाई, जुगाड़ कर रहे हैं. मिल गए चलो जी. 2 टिकट के हो गए हैं. पर्ची वर्ची कोई नहीं काटी इन्होंने भाई, एक तरफ की ले ली है अभी तो टिकट. सीधा बैठने के लिए बोल रहे हैं. चलो भाई मस्त. नीचे नहीं भाई ऊपर बैठेंगे. आओ देखना ऊपर जगह है तो. अगर नीचे फील नहीं आती भाई, ऊपर से मस्त व्यू दिखेगा ना. सीट मिलनी चाहिए बस. आ जाओ. हिल रही है भाई बहुत ज्यादा बोट. अभी तो चलेगी जब आएंगे मजे असली भाई. वैसे बेस्ट पोर्ट तो ये वाला है. यहाँ से नज़ारे जो दिखेंगे ना रस्ते में मजे आएंगे. बट धूप बहुत हो रही है अभी यहाँ बैठने में. अंदर खाली तो है काफी सारी सीट्स, बट वही है डर कि हम ऊपर बैठे और इतने में भर जाए जाने तो दिक्कत हो जाएगी. तो एक काम करते थोड़ी सी धूप सह लेते हैं भाई, या बैठ जाए किस्मत देखेंगे. उधर बैठ जाते चलो. आओ चलो देख लेंगे, अगर मिलेगी खाली तो बैठ जाएंगे. अभी फिलहाल भाई यहीं बैठ जाते. जैकेट ले आओ दो. आ गए भाई, ये लाइफ जैकेट्स का पूरा भंडार रखा हुआ है. इसमें से 2 लाइफ जैकेट ले लेते हैं. चलो जी दोनों जैकेट, एक सोहन की एक मेरी, सबने पहन ही रखी है भाई. एडवाइस भी यही करते हैं कि अपना पहन के ही रखना पूरी ट्रिप के दौरान. पहन लो भाई. चलो जी माइक निकालना पड़ेगा वरना इसमें अटकेगा. अब अगर हम डूबे भी तो मस्त इसके थ्रू ऊपर आ जाएंगे. सही है जी. वेट करते कितना टाइम हो गया. 1:30 बजे कह रहे हैं चलेगी. बहुत गर्मी लग रही है. चलने के बाद तो सही हो जाएगा थोड़ा माहौल. 1:09 हो गया. 21 मिनट बचे हैं, उसके बाद चल पड़ेगी. भाई साहब ये टायर इन्होंने डाल तो रखे हैं, तो ये पोल जब बना रहे होंगे उस टाइम ही डाले होंगे. और इस पर शेल देखना कितने सारे चिपक गए हैं. ओ भाई साहब टायर पे भी पोल पे भी. और यहाँ देखो ये पूरी सीढ़ियाँ भाई शेल ही शेल चिपके पड़े हैं हर जगह. क्रेजी भाई क्रेजी. मतलब कि पानी का बहाव जो है वो इस सीढ़ी तक आ जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ तक भी हो रहा है. अभी भी लहरें काफ़ी तेज़ है भाई. पूरी बोट ऐसे ऐसे हिल रही है. हाँ थोड़ी सी अब भाई हवा चल रही है, अच्छा फील हो रहा है. और यहाँ पे ना जेब में फ़ोन वोन है या पर्स है तो संभाल के टाइटली रखने पड़ते हैं, क्योंकि सीधा नीचे स्लिप होंगे और समुद्र में. और अगर गए समुद्र में तो फिर तो मिलने नहीं कभी, भूल जाओ. भीड़ भी भाई होती जा रही है. ऑलमोस्ट फुल हो जाएगी फेरी जब तक ये चलेगी. 15 मिनट रह गए. भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे जो है वो अपनी फेरी चल पड़ी है 1:30 बजे. और भाई साहब ये वाला स्पॉट सबसे बेस्ट है. मस्त ठंडी ठंडी हवा और पानी की छींटे भी आ रही है. पहले हम उस वाले एरिया में बैठे हुए थे, नीचे भी आप बैठ सकते हो, पर बेस्ट है भाई ये पीछे बैठना. और आज भाई वेव्स बहुत ज्यादा ऐसे लहरें हो रही है, तो पूरी बोट यूं हो रही है. पिछली बार जब मैं आया था इतनी ज्यादा नहीं थी. ये देखो भाई स्पीड बोट के आज जग निकल रही है स्पीड से. एंड ये लहरें देखो भाई, लिटरली बोट पूरी यूं बहुत ज्यादा लहरें है तेज. ओए क्रेजी भाई. एंड आवाज मेरी थोड़ी ढंग से नहीं आ रही होगी भाई, क्योंकि हवा बहुत चल रही है ना, तो हो सकता है फुर की आवाज आ रही हो बीच में. मैनेज कर लेना भाई, पर मजा बहुत आ रहा है. क्यों भाई मेरे खतरनाक मजा आए.
भाई साहब बहुत क्रेजी वाली लहरें हो गई अब तो, आधे लोग मतलब बच्चे रोने लग गए, उल्टी आ रही है बच्चों को, सबका जी खराब हो रखा है इस टाइम पे। ऐसे ऐसे ये देखो भाई, ओए बहुत ज्यादा है भाई, ओ भाई वो तेरी देखना भाई साहब, लिटरली यू 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 हो रही है। पर आईलैंड आई गया जस्ट सामने, वो दिख रहा होगा आपको, तो पहुंचने वाले है तेरी। मेरे को वैसी मोशन सिकनेस की दिक्कत है भाई, बट अभी तक तो सही है, उल्टी का कुछ असर लग नहीं रहा तेरी। ये देखो यहाँ से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा लहरों का कि कितनी तेज और कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, और अचानक से तो बहुत ही ज्यादा तेज आ जाती है भाई, हालत खराब हो जाती है उस टाइम पे। चलो जी चलो फाइनली पहुंच गए हैं। 45 मिनट्स लगे भाई, 2:15 हो रहे हैं और 1:30 चली थी ये, तो ठीक है स्पीड बोट ज्यादा जल्दी पहुंचा देती है, बट इसके भी अपने मजे है। और मेरे को लग रहा है स्पीड बोट में ज़्यादा ये झटके फील होंगे आपको, मतलब मोशन सिकनेस वाले, पर स्पीड बोट पहुँचा जल्दी देगी, तो आपकी चॉइस है भाई, फेरी में जाना है या स्पीड बोट में, पैसे बचाने हैं या टाइम बचाना है। और फेरीज में देखो भाई इस तरह का ना टॉयलेट भी बना होता है, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, और स्पीड बोट में नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो ओ भाई साहब देख रहे हो, इसके पिलर तक उखड़ गए बीच का एक, ओ भाई क्रेजी। चलो जी ऑलमोस्ट बोट जो है वो खाली हो गई है, हम भी निकलते हैं फटाफट, ये जैकेट यहीं पे छोड़ के जानी है भाई। भाई साहब दिमाग ऐसे ऐसे घूम रहा है मेरा तो अंदर अंदर, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा वहां जाके जब स्टेबल होगा। चलो प्रावा चलो जल्दी चलो, यहीं से कूद जाऊंगा भाई, देखना कितने सारे वो है शेल, ओए होए होए पूरा लिटरली पुल का पुल शेल से भरा पड़ा है, ओए गजब भाई। चलते जाओ भीड़ ना लगाओ, चलते जाओ चलते जाओ। देखो भाई कितनी बोट हिल रही है, सबका लिटरली हाथ पकड़ पकड़ के उस तरफ ले जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मूवमेंट है। फाइनली स्टेबल ज़मीन पे आए, झूल ही रहे थे वरना इतनी देर से तो। हाँ भाई हवा भी चल रही है मस्त मस्त ठंडी ठंडी, मोस्ट 4 घंटे ही है समझ लो, 4 घंटे मस्त घूम सकते हैं पूरे आइलैंड में कहीं। भाई ये ना कुछ ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, बट स्टिल आपको यहाँ पे रहने के मिल जाएंगे रिजॉर्ट्स वगैरह, तो भाई ये सप्लाई वगैरह आती है ना, क्योंकि ये आइलैंड कहीं से भी ना रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो समुद्र के थ्रू ही सब कुछ आता है। देखो सामान ये वाली बोट में लाया जाता है, टिशू पेपर हो गए, पानी की बोतलें, अंडे की ट्रे, वो देखो CNG LPG वाले सिलेंडर्स भी है भाई, तो सब कुछ मटेरियल इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पे। फिर इस तरह की गाड़ियाँ होती है यहाँ पे, और गाड़ियों में भर भर के जो भी रेस्टोरेंट है जो भी रिजॉर्ट्स है उनके पास छोड़ दिया जाता है। अरे ट्रैक्टर भी है भाई इनके पास, ट्रैक्टर में भी लोड होके जाता है वो, ये भी ट्रैक्टर ही है। अरे एक मिनट भाई साहब एक मिनट, गुस्सा काहे हो रहे हो, चढ़ा दोगे क्या? हाँ भाई टू व्हीलर है, आप रेंट भी ले सकते हो यहाँ पे स्कूटर का, अपना स्कूटर लेके फिर पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करो चल के। ये फेरी टर्मिनल है, जो जाते वक्त आपको यहीं से टिकट मिलेगी और यहीं से आप फेरी पे चढ़ जाओगे। देख रहे हो लाइन से स्कूटर लगे पड़े हैं भाई सारे के सारे, तो कोई भी आप रेंट पे लेके यहाँ से अपना फिर एक्सप्लोर करो मस्त एकदम। स्पीड बोट 150 की है इनके पास, तो सस्ती है फिर तो, 150 की, मेरे को लगा 200 की थी। पहले तो भाई कुछ नारियल पानी वगैरह लेते हैं, बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि टू व्हीलर नो 300 में दे रहे हैं भाई स्कूटर, 300 था ही बात, 800 रुपये हो गए मतलब। ठीक है वैसे 4-5 घंटे के लिए अगर आपको घूमना है आइलैंड पूरा तो स्कूटर लेके घूम सकते हो। बहुत भीड़ है भाई बहुत ज़्यादा इस बार तो। ये देखो यहाँ पे ये टेम्पल है, आगे कैफे अमेजोन, टॉयलेट्स वगैरह बने हैं। चलो नारियल पानी पिए पहले, आओ गला सूख रहा है बहुत तेज़ और सर भी घूम रहा है, तो थोड़ी देर बैठ के आराम से। वहाँ तो नारियल पानी मिला नहीं, तो हमने सोचा भाई अब स्कूटर रेंट पर ले लेते हैं, 200 था ही बात में दे रहे हैं ये वाला, ये तो सही है भाई 500 रुपये में लास्ट 6 बजे तक, तो ले लेते हैं। दे दो भाई 200 था ही बात, दे दो 200। वन आई डी फोटो लाइसेंस दे दो, ओके 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 200 बात अलग से, टेक 800 and 200 ओके, वी डोंट हैव चेंज, यस यस ओके या थैंक यू। तो भाई ये स्कूटर है, चेक कर लेते हैं कहीं से स्क्रैचेस वैचेस ना हो, क्योंकि यही ज़्यादा चलता है ना लफड़ाबाजी की, पहले तो दे देते हैं ये फिर बाद में कहते हैं आपने ये स्क्रैच मार दिया वो मार दिया, तो हल्का फुल्का स्क्रैच है ये, पर ठीक है नया ही है भाई ये। हेयर ओके ओके ओके, नो हेलमेट नो पुलिस ओके ओके स्लोली ओके भाई, हेलमेट नहीं है पुलिस भी नहीं है, बस स्लोली चलाना है। 200 था ही बात में सही है, तो पहले कह रहे थे कोई आईडी प्रूफ दे दो और फिर जब वापस स्कूटर करोगे तो आईडी वापस दे देंगे, मैंने कहा आईडी कौन देगा भाई पासपोर्ट, तो उससे अच्छा इन्होंने 800 था ही बात सिक्योरिटी रखवा ली और 200 रख लिए स्कूटर का रेंट, मतलब 1000 का दे दिया हमने नोट। चलो भाई बैठो भाई, रख दो आगे रख दो। चलो भाई अब ना बढ़िया है, 4 घंटे अपना आराम से घूमेंगे स्कूटर में, आ जाएगा। इतना क्या डाल दिया, तौलिया वोलिया क्या, वो ये फंस गया ना। चलो आ जाओ, नो पुलिस नो हेलमेट ड्राइव स्लोली, बस यही हमें समझ रहे हो ना। चलो आओ पकड़ो, पहले नारियल पानी की खोज करी जाए।
चलो भाई फाइनली कोकोनट शेक मिल गया है 4-5 दुकानों में पूछने के बाद। टू नहीं पियोगे? वन ओनली वन। यस ही डोंट ड्रिंक, ही ओनली ड्रिंक दारू। चेस खेल रहे अंकल यहाँ। ये देखो भाई इनका चेस यहाँ पे चल रहा है। वो गुड गुड। व्हाट्स योर नेम? टी एंड योर जूट। ओके चलो बैठो भाई बैठो, आओ एक एक गेम हो जाए यहाँ पे देसी। इसको मारो पहले, इसको उड़ा दो। चेस का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं। रोनाल्डो भी आपके साथ ही खेलता था। रोनाल्डो चेस खेलता है? फुटबॉल खेलने के बाद में। जाओ बेइज्जती होगी। क्या रोनाल्डो चेस खेलता है? मैंने क्या बोला? फुटबॉल खेलने के। तुम्हें पता ही नहीं था मतलब रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है? झूठ बोल रहे। मैंने बताया ना, आपने थोड़ी बताया। क्या रोनाल्डो चेस खेलता है? वाह यार कमाल है यार। अच्छा इंडिया का एक चेस प्लेयर का नाम बता दो। चलो किसी एक का बताओ भाई, जिसको पता कमेंट्स में जरा। अंकल जी दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, जीत के रहेंगे देखना। ओ अंकल ने मस्त चाल चल दी भाई, लग रहा है अब जीत जाएंगे अंकल। ओए होए 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 होए। एंड अपना शेक भी आ गया भाई, कोकोनट वाला, मस्त एकदम। अंकल जी जीत के दिखाना है, नाम रोशन करना है अपने थाईलैंड का। खुश हो गए अंकल। चलो 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 वापिस, देख बताऊंगा भाई कौन जीता। वैसे मेरे को लग रहा है ये वाले अंकल जीतेंगे, लेट्स सी। तो ये भाई साहब जीत गए, मैंने इन्हीं पे पैसा लगाया था। तुमने किस पे लगाया था? उन पे? इसने तो रोनाल्डो पे लगाया था। अंकल जीत गए, वेरी गुड यार, मस्त बनाया ये कोकोनट शेक भी। तो भाई 2:30 बजे तो इतनी गंदी गर्मी हो रही है यहाँ पे। यस गुड गुड वेरी गुड। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सही में मन ही नहीं कर रहा निकलने का, ऐसा लग रहा है यही बैठा रहूँ बस। पर अभी चलेंगे भाई बीच पे चलेंगे, और शाम होने के बाद स्कूटर राइड पे जाएंगे। फिर अगला गेम शुरू हो चुका है इनका। तो जी ये देखो कुछ इस तरह का ये आइलैंड है, ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है जैसे कि मैंने बताया था आपको। ये पूरा आइलैंड ही ना भाई 4 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है, देख रहे हो कितना छोटा सही है। तो हमारी फेरी ने हमें ना इस पॉइंट पे उतारा था, अभी हम यहाँ पर कहीं पे है। अब इस आइलैंड पे ना काफी सारे बीचेज है, जैसे एक ये है देखो ताइवान, एक है तायाई बीच, एक है तोंगलैंग बीच, फिर एक है ये तियान बीच, समाई बीच, कोलान न्यूल बीच। तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले बीच पे चलते हैं भाई, सबसे कम भीड़ ना यहीं मिलेगी हमें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है ये पोर्ट से, तो इसलिए लोग कम ही जा पाते हैं। बट अपने पास आपको पता ही है भाई, ये स्कूटर है जो रेंट पे लिया है, तो हम जा सकते हैं। बाकी इस आइलैंड का ना एक टॉप व्यू पॉइंट भी है जो 200 मीटर की हाइट पे है, तो देखते हैं सनसेट देखने के लिए वहां चल लेंगे या बीच पे चल लेंगे। अभी फिलहाल स्कूटर उठाते हैं अपना और चलते हैं इस वाले बीच पे, कोलान न्यूल बीच। लेट्स सी कैसा है। मैं तो सोच रहा हूँ सारे बीच पे एक बार चक्कर मार ही आएंगे, जो बैच लगेगा वहीं रुक जाएंगे। और ये सेकंड गेम भी खत्म होने वाली है, लेट्स सी कौन जीतता है भाई। मेरे ख्याल तो यही अंकल जीतेंगे। अब एक ही अंकल की बची है, वाइट तो अंकल गए, जीत ही गए अभी। बस जीत जाएंगे अंकल आराम से, चलो आ जाओ, चलो जीत जाएंगे भाई। मैं हिम्मत ही नहीं हो रही भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। आप शक्ल देख के पता लगा ही पा रहे होंगे क्या हालत हो रही है। बट एक पानी की बोतल ले ली है, हिम्मत रखते है और चलते है। हार्डली भाई 5 मिनट भी नहीं लगे और पहुंच भी गए, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है भाई, एक कोने से दूसरे कोने जाना है 4 किलोमीटर सिर्फ, क्या ही रखा है ना। उधर की तरफ बीच है, यहीं पे ये पार्किंग लगा रखी है, अपनी स्कूटी है ये वाली भाई। चलो जी चलो आ जाओ बीच पे थोड़ी देर मजे करते हैं। तो भाई आते भाई साहब ने बुला लिया। व्हाट? ओह स्कूबा, दिस इज स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग इनसाइड वाटर। ओके 1500 था ये बात, ले लो भाई फोटो ले लो। एंड हाउ मच फॉर बेंच? बेंच हाउ मच? 100 बात फॉर टू बेंच? 200 बात। ओके आई लेट यू नो, थैंक यू। चलो हमें तो भाई रेट पूछने थे, पूछ लिया, आपने भी देख ही लिए होंगे, क्योंकि हमें एक्टिविटी तो कोई भी नहीं करनी, तैरना नहीं आता तो थोड़ा रिस्की रहता है ना, डर भी लगता है भाई। तो बेटर है अपना इस तरह के ये लगे होते हैं भाई यहाँ पे बैठने वाले, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठ सकते हो। 100 थाई बात की एक सीट है, 200 थाई बात में 2 सीट ले लेंगे आराम से, यहाँ बैठ जाएंगे। और ये पूरा भाई बीच है आप देख सकते हो। नो बहुत एजेंट्स है भाई, बहुत एजेंट जेट्स की करे जा रहे हैं। चलो थोड़ी देर ना पानी में चले, ताकि अपना भी बॉडी ठंडी हो जाए। पानी के पास आके भाई थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है ना, तो गर्मी इतनी फील नहीं होती, वरना वैसे तो भाई अंधी गर्मी। जो पटाया वाला बीच था उससे कितना बेटर है भाई ये जगह, देखो पानी भी कितना साफ सुथरा है, कोई गंद नहीं मचा हुआ, तो आप मस्त यहाँ पे नहा सकते हो काफी देर।
ओए पानी भी भाई मस्त है, ठंडा ठंडा सही है भाई। यहीं आओ कोरल आइलैंड में, जब ही जिंदगी के मजे आएंगे। और ये देखो भाई, इस तरह की ये जेट्स की है जो आप कर सकते हो इनके साथ। और भाई काफी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे पानी साफ होने की वजह से ना। वो देखो आगे भी काफी ज्यादा भीड़ है भाई लोगों की। और अभी थोड़ी कहाँ एंड में चलो, हाँ ठीक है। बट अभी हम सोच रहे हैं कि अभी तैरे ना, अभी थोड़ा स्कूटर में केड़ी वेड़ी मार लेते हैं, उसके बाद जब पूरा आइलैंड घूम लेंगे ना तब यहाँ पे आके फिर अपना थोड़ी देर एक डेढ़ घंटा स्विमिंग कर लेंगे, वरना अभी फायदा नहीं। या अभी कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ शाम में स्कूटर में घूमेंगे। अरे अभी है ना स्किन नहीं होगी। अरे हम इंडियन है, हमारी स्किन खराब होगी क्या? अगर हमारी होगी तो अंग्रेज तो मर ही जाएंगे यहाँ पे फिर। सही बात है ना भाई, तो अपना डुबकी लगाते हैं। चलो भाई हो जाओ नंगो पुंगो यहाँ पे, उधर चलते आओ। गंद तो यहाँ पे ही मार रखा है, बट थोड़ा कम गंद है, लाइटर पटक रखा है। देखो भाई पत्थर तो चलो समुद्र में से ही आ रहे हो। तो भाई ये वाली स्पॉट ले लिया हमने, अपना बैग वैग रख दें क्योंकि इसमें फोन वोन और ड्रोन भी है अपना। तो ड्रोन अभी नहीं उड़ा रहे, 4:30-5 बजे के बाद जब थोड़ा सा सूरज ढल जाएगा तब शॉर्ट्स अच्छे आएंगे। अभी तो बहुत ज्यादा सर पे है सूरज, तो इतनी अच्छी शॉर्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ से जाएंगे अब हम पानी के अंदर, बस सांप वाप ना हो कोई, वरना तो भैया गेम ओवर, वीडियो भी नहीं बनाएंगे। हाँ एक फोन तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, दूसरा तो ठीक ही नहीं होके दे रहा भाई, पता नहीं क्या हो गया उसमें। चलो कोई नहीं, थोड़ा दूर दूर से वीडियो बना लेंगे। I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know. आपने ड्रोन शॉट देखे भाई, क्या मस्त लग रहा है ना आइलैंड। अभी थोड़ा बीच में चलते हैं, बीच मतलब रस्ते के बीच में, वहां पे उड़ाएंगे, वहां दिखाता हूँ और अच्छे से। रस्ते में ये आइसक्रीम मिल रही है बड़ी अलग सी, मतलब इतने बड़े बड़े देखना बीकर में रख रखी है इन्होंने, और इसमें से निकाल निकाल के दे रहे हैं। फ्लेवर्स भी काफी सारे हैं, तो एक एक लेते हैं भाई दोनों ना। ये देखो ये फ्लेवर्स है उनके पास, कोकोनट मिल्क भी है भाई आइसक्रीम, ओए बनाना भाई साहब, सब कुछ ही है ऑलमोस्ट इनके पास। तो कौन सी लोगे भाई साहब, ओए मिस्टर देख लो, मैं तो सोच रहा हूँ कोकोनट वाली लूं, और तो नहीं कोकोनट ही सही है। तुम बताओ भाई, मैंगो ले लो, वनीला चिप ले लो, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो। एक्सक्यूज मी, हेलो, ड्रम में, वही तो कह रहा हूँ ड्रम में है जबी तो। वन मैंगो वन कोकोनट, दिस वन टू स्कूप, हाँ नो वन कोकोनट एंड वन मैंगो टू स्कूप, यस वन स्कूप ईच। भाई सब जितने भी ड्रम दिख रहे हैं ना, ये सब के सब इसमें आइसक्रीम है। दिस इज कोकोनट, ये तो आ गई, या वन मैंगो, ये तो आ गई भाई अपनी कोकोनट, वो इसका दूसरा दे रहे हैं मैंगो। चम्मच ये बड़े जी इतने सारे, लेट्स गो। 15-25 बात का एक स्कूप है, यानी कि 40 रुपए का। बढ़िया भाई, बिल्कुल कोकोनट वाली वो आ रही है, ने कोकोनट स्मूदी पी थी ना वैसे ही। यहाँ पे भाई काफी सारे ना पब्स क्लब्स ऐसे नाच गाने वाले भी बने हुए हैं, तो वही शाम को या रात को मस्त पार्टी वार्टी होती होगी उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे मतलब इसी आइलैंड पे रुकते हैं। हमारा तो होटल ऑलरेडी पटाया में बुक है, तो हम नहीं रुक सकते ना भाई। बाकी अभी जा रहे हैं भाई स्कूटर वापिस करने, अरे अरुण भाई का भी फोन आ रहा है, 5:30 बज चुके ऑलरेडी, आधा घंटा ही है, कुछ खा भी नहीं पाए भाई आइसक्रीम के अलावा, तो पटाया जाके ही खाएंगे अभी फटाफट स्कूटी वापिस करके, फेरी की टिकट लेते हैं, 6 बजे की फेरी है। आइलैंड बढ़िया है वैसे भाई, शोर शराबा नहीं है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियों का ट्रैफिक व्रैफिक भी नहीं है, मजा आएगा। मतलब एक दिन आप रुक सकते हो यहाँ पे भी, अगर पटाया में होटल नहीं लिया तो अपना बैग वैग लेकर आ जाओ इधर ही, मजेदार हर चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी। फार्मेसी वगैरह भी है यहाँ पे, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो तो ले सकते हो आप, और होटल रिजोर्ट तो काफी सारे है ही, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है रिजोर्ट थोड़े से महंगे होंगे भाई यहाँ पे एज कम्पेयर टू मतलब पटाया। लॉन्ड्री तक है भाई, तो और क्या चाहिए है, बसना हो तो यहीं बस जाना, अगर सस्ते में कहीं रहना मिल जाए। ये देखो भाई पानी के टंकर जा रहे हैं, पानी बिजली तो पूरी है भाई गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब थाईलैंड गवर्नमेंट ने सपोर्ट पूरा दे रखा है यहाँ पे आइलैंड पे,
बस ये है कि थोड़ा सा पताया से मतलब ऑफ साइड में है, लगभग 7-7.5 किलोमीटर दूर। ये देखो सिम की भी दुकान है, बताओ फोन सिम सब मिल जाएगा यहाँ पे, तो किसी चीज की टेंशन नहीं है। भले ही छोटा सा है ये आइलैंड, बट सुविधा सारी है भाई। एंड अगर आपको स्कूटी रेंट पे नहीं लेनी है तो इस तरह के टुक टुक चलते हैं जो पटाया और बैंकॉक में चलते थे ना, ऐसी आप शेयरिंग वाला लेके इधर उधर जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। और हमने कट मिस कर दिया भाई। अरे फ्रूट मार्केट भी है देखो, सब्जी की मार्केट लगी हुई है, सारी सब्जियां फ्रूट सब कुछ मिल रहे हैं। ये सारा मटेरियल भाई पटाया से बैंकॉक से ही आता है वो बड़ी बड़ी बोट में, तो फिर यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस में बेचा जाता है ऑब्वियसली। चलो भाई पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, वो भाई साहब जिन्होंने हमें ये स्कूटी दी थी उनको ढूंढ रहे हैं हमें, और अपने 800 थाई बात वापस लेने हैं जो सिक्योरिटी रखवाई थी। कहाँ होंगे वो भाई साहब, ऐसे इतनी भीड़ में मिलेंगे हमें? भाई साहब यहाँ तो दिख ही नहीं रहे, वो कहाँ चले गए? वैसे वीडियो बनाई हुई है, वीडियो में शक्ल आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रही शक्ल कैसे दिखते थे वो भाई। यही तो नहीं है कॉल, ये कह रहे भाई कॉल करो, नंबर है आगे। अच्छा ये नंबर दे रखा है, इनको कॉल करना है। देना भाई, तो थाईलैंड की सिम होनी चाहिए उसके लिए, वो तो है अपने पास। चलो चलो कह रहे हैं, आओ मैं ही दिखा देता हूँ। आज जी आज वो भाई साहब लेकर जा रहे हैं, शायद वो पहचान गए। लेट्स गो आंटी, इस बार अंकल के डन। और वैसी बोट पे तो इतने इचकोलियां मारती है और पता चले सारा प्रेशर रिलीज हो जाए। तो ये वॉशरूम बने हुए है भाई 10 थाई बात में और 50 में नहाने का भी है। नहाना है क्या? मिट्टी मिट्टी हो रही है। चलो होटल जाके नहाए, नॉर्मल टॉयलेट यूज करते है उधर से है भाई। चलो भाई पहुंच गए वापिस पताया सिटी। इस बार ना वेव्स थी पर इतनी नहीं थी जितनी दोपहर को थी, और ये वाली फेरी थोड़ी छोटी भी थी उससे, बट सही है भाई, जी खराब नहीं हुआ, जाते टाइम ज्यादा हुआ था। अभी होटल जा रहे भाई, फटाफट से नहाएंगे क्योंकि पूरी बॉडी चिपचिप हो रही है। यही होता है भाई समुद्र में जाने के बाद ना, मिट्टी मिट्टी और चिपचिप चिपचिप। नहाने के बाद मिलेंगे हम अरुण भाई से, अरुण पवार जी, हाँ वो भी आए हुए भाई इंडिया से, यहाँ पे बैंकॉक में कुछ उनका था इवेंट वगैरह, तो पटाया आया मैंने कहा फिर मिलते हैं रात को, जरा वॉकिंग सीट चलते हैं साथ में ही सारे के सारे, तो हम नहा लेते हैं पहले जाके। ये देख लो भाई जोकर भाई साहब, ओहो भाई ये रियल है, लेकिन हिल नहीं रहे भाई साहब बिल्कुल भी, देख रहे हो स्टेबल है बॉडी पूरी हुई हुई। लो जी लो मिल लिया भाई से, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, कैसे चल रहे ट्रिप? एकदम बढ़िया। अब तो शर्माते नहीं हो मास्क हटा के? नहीं भाई, कोई पक्की बात बात ही नहीं है भाई। ठीक है जी। सबसे मेन बात भाई, इन्होंने भी सेम होटल ले लिया हमारे वाले, और ऊपर से सेम फ्लोर मिल गई है, तो दो रूम लिए हुए, एक ये एक साथ वाला। कितने, चार लोग हो ना आप टोटल? हाँ भाई, एक साइड वाला। चलो आ जाओ भाई, तो अब हम जा रहे सीधा वॉकिंग स्ट्रीट। आज थोड़ा नाच गाना होगा, क्योंकि एक दो लोग होते हैं ना उतना मजा नहीं आता, जब 6-7 लोग हो जाते हैं ना फिर नाचने में मजा। कैसे हो भैया? बढ़िया बहुत। इन भाई साहब को आपने देखा होगा स्कॉर्पियो का रूप रंग बदलते हुए, है ना? हेलो भाई। बस जी बढ़िया। चौथे बंदे का है, कौन है वो? हेलो जी, हेलो, आ जाओ चले। चलो भाई चलो, हमारे होटल से बहुत पास है वॉकिंग स्ट्रीट, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक सोहन हो रहा है, वो आ रहा है बस अभी। यार हमने तो खाना वाना खा लिया था, भाई लोग भूखे हैं अभी, तो उनको खाना खाना है, तो मैंने कहा दालचीनी में ही चलो, क्योंकि हमने कल भी यहीं खाया था, सुबह तो नहीं मिला था सॉरी, दोपहर में खाया था, तो अच्छा टेस्ट है इनका, मजेदार एकदम। आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। चलो जी खाना वाना डन, अब सीधा पहुंचते हैं वॉकिंग स्ट्रीट, वहाँ पे थोड़ी देर अपना स्ट्रीट पे ही घूम लेंगे, कुछ एक्टिविटीज होगी वो कर लेंगे, और फिर सीधा जाएंगे भाई किसी अच्छे से क्लब में,
नाच गाना करने में, मतलब गाना तो नहीं नाचने का। हम जिस होटल में रुके ना भाई बेस्ट है, मतलब इसके आसपास ही सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो फ्रूट्स की पूरे शॉप है और इसी रोड पे अगर आप सीधा चलते जाओगे तो वॉकिंग स्ट्रीट की एंट्रेंस आ जाएगी। तो सब कुछ आसपास ही है, रेस्टोरेंट्स खाना वाना सब मिल जाएगा इधर मस्त। और जो हमारा होटल है ना इन्हीं का ही देखो, मसाज पार्लर भी है यहाँ पे और जस्ट होटल के सामने एक क्लब भी है भाई, मस्त गाने वाने बज रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। बट हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम भाई ऐसे क्लब जाएंगे जहाँ पे मस्त देसी गाने बजे और नाचने का मजा भी आए, वरना इस टाइप के क्लब ना मिलते नहीं है जल्दी से दूसरे देशों में जहाँ पे अपना इंडियन गाने वाने मस्त बजे। क्योंकि देखो भाई घूम तो जितने मर्जी देश में लो, बट जो नाचने का मजा आता है ना, या तो प्रॉपर ईडीएम बज रहा हो उसमें आता है, या फिर अपने इंडियन देसी गानों में। ये जो इंग्लिश गाने हैं इसमें इतना नाचने में मजा नहीं आता, आप वैसे लहर लो थोड़ा सा पी वी के, बस वही बेस्ट है। ये देखो भाई जन्नत क्लब भी है यहाँ पे, काफी सारे क्लब्स है बट मैंने जहाँ तक सुना और मैं एक बार जा भी चुका हूँ, नशा क्लब करके है यहाँ पे, वो काफी बढ़िया है भाई। तो कोशिश करेंगे नशा क्लब में जाए। यहाँ भी देखो भाई खाने पीने की पूरी मार्केट सी लगी हुई है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ अपना स्ट्रीट फूड टाइप। तो लो जी वॉकिंग स्ट्रीट की एंट्रेंस है अपनी यहाँ से, ये जो बड़ा सा गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से शुरू होगी लगभग 1.5 किलोमीटर की पूरी लेन है, काफी सारी चीजें करने के लिए और क्लब्स भी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से अपना सफर, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। वैसे हम कल तो जा चुके हैं, कल वीडियो नहीं बनाई थी, बस ऐसी चक्कर मार लिया था, बट जितनी भीड़ कल नहीं थी ना भाई, आज बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है, ट्रैफिक भी हो रहा है इधर की तरफ और अंदर भी बहुत भीड़ है वहाँ पे। करोगे ये बहुत बढ़िया फिर से भाई, तो नहीं रहता हाँ, वो तो कभी भी जाती है बिल्कुल। तो भाई ये बॉल मारनी है, वो दिल सा बना हुआ ना, जैसे उस पर लग जाएगा तो लड़कियां दोनों पानी में गिर जाएगी। तो ये गेम है ना ना, पैसे है फ्री ऑफ कॉस्ट को देंगे हाँ वो भीग जाएंगी, यही मिलेगा। चलो भाई चलो करो, अरे मारो ढंग से मारो, अरे ये काम मार रहे हो चलो चलो चलो, ओए अरे स्लो मारो स्लो मारो स्लो। भाई यहाँ देखो शूटिंग के लिए कल भी हमने ट्राई करा था, पर इनके पास ज्यादा गन है, स्नाइपर भी है, ये भी है, AK-47 भी है भाई, AK-47, और वो टारगेट है भाई सामने वहाँ पे मारना होता है। ये ट्राई करो, बढ़िया कल करा था बढ़िया है भाई साहब, पूरी रियल गन लगती है, ये एयर गन है वैसे। उड़ा दो मारो मिस हो गई ये वाली ना, मिस हो गई। कल मैंने वो वाली ट्राई करी थी, आज मैं सोच रहा हूँ पिस्टल करता हूँ ट्राई, पिस्टल में मजा आएगा। ये वाली ले लेते हैं रिवॉल्वर टाइप की, ये देखो भाई इस तरह से CO2 भरी जाती है इसमें और फिर उसके बाद छल्ले जो है वो निकलते हैं, इसलिए इसे एयर गन बोलते हैं भाई। पर दी अच्छे से लेनी है यार, ये इंडिया में मिलती नहीं है जल्दी से, पर मेरा बहुत मन है लेने का, जैसे ये AK-47 वो भाई मजे आते हैं रखने, लग रही है। ओहो प्रोफेशनल शूटर। ये देखो भाई ज़्यादा हेडशॉट लगे और में लगे दिल वाले एरिया, बढ़िया हुआ है। तो ये सही है भाई, 15 शॉट मिलते हैं 100 था ही बात में, ये ज्यादा बढ़िया है। अब बाकी वो वाला थोड़ा महंगा है 200 में, उससे ना निशाना नहीं लगता, इसमें निशाना अच्छा लगता है मस्त एकदम, बढ़िया आ रहे हैं इससे निशाने, ये ट्राई करो अच्छे निशाने हैं मेरे, ये ट्राई करो अच्छा है ये। स्नाइपर वो ट्राई करते हैं, 200 थाई बाद में 20 शॉट दे रहे हैं, देखना भाई। तो वो दूर निशाना लगा हुआ है, लेट्स सी भाई कितना सही रहते हैं।
तो ये देखो भाई, स्नाइपर ने ये हाल करी है। एक तो बिल्कुल सेंटर पे लगी है, माथे के वहाँ पे समझ लो, बाकी छाती पे लगी है। सही था ये भी, सबसे बेस्ट पिस्टल थी, उसमें मजा आया। तो भाई नशा क्लब में जाने का प्लान बन रहा है अपना, काफी देर घूम लिया, पूरी रोड भी खत्म ही हो गई है। अब चलते हैं अंदर, थोड़ा डांस वांस करते हैं। यहीं से एंट्री है, फ्री एंट्री है, अंदर जाके अपना ड्रिंक्स वगैरह जिसको लेनी है वो लो और नाचो कूदो। भाई नशा क्लब में तो अभी डांस वांस शुरू नहीं हुआ था, बस ड्रिंक वाला ही सीन था। वो भी सारे बुड्ढे बुड्ढे अंकल लगे हुए थे पीने के लिए। मैंने कहा वहाँ पे क्या ही करेंगे, पीने वाले है नहीं यहाँ पे, तो सबसे बेटर है अपना यहाँ आ गए भाई पानी के पास में। हवा तो नहीं चल रही, पर उम्मीद से आए थे कि हवा चल रही होगी, पर थोड़ी देर यहीं पे ही बैठ के आराम से बातें शाते मारते हैं, फिर अपना निकलेंगे। देखेंगे अगर डांस वांस शुरू हो गया होगा वहाँ तो कर लेंगे, वरना फिर होटल जाएंगे। पटाया सिटी का भी भाई बोर्ड पूरा जगमगा गया है, मस्त लाइटें शाइटें ऑन हो गई है भाई। ये 7-Eleven के जो अपना फूड वाला सेक्शन है, इसमें देखो इंडियन कितनी चीजें मिल रही है। चिकन टिक्का मसाला, ये भी चिकन टिक्का नहीं विद टर्मरिक राइस बताओ, हल्दी वाले चावल। और ये क्या भाई, ये तो चलो अलग है, यहाँ का ही मटेरियल है। बट इंडियंस को काफी चीजें ध्यान में रखते हुए भाई देख लो, ये मैक्रोनी है, किसकी मैक्रोनी है विद चिकन। ये देखो ये हाउस में भी थे, हैं ये देखो बीबीक्यू चिकन। हाँ बारबेक्यू चिकन, पर ये यहाँ का है, ये टेस्ट वो नहीं होगा इंडिया वाला। मतलब थाईलैंड में आप आओगे ना एज ए इंडियन, तो आपको खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप मेन मेन सिटीज में आ रहे हो तो। बढ़िया सीन है भाई। बियर के प्राइजेस देख लो, बाकी आप ब्रांड तो कौन से मुझे नहीं पता, कोई दिख भी नहीं रहा मुझे तो इंडिया वाला। ये शायद बडवाइजर 65 थाई बात, कौन ये भाई? आओ भाई आओ, ये बडवाइजर इंडिया में कितने की है कैन? मैंने जो अरुण भाई के साथ पी थी वो ये कौन सी ये बडवाइजर, इनको यही पसंद है क्योंकि इसमें 5% है ना, वो ज्यादा नहीं लेते। कितने की है ये इंडिया में? 150 रुपए की पड़ी थी, पर मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, जब हमने पी थी ना उसके बाद अरुण भाई को नशा हो गया था, फिर दोबारा लेने आए थे। तो क्या बोल रहे हैं, हट जाओ हट जाओ। 65 ताई बाद मतलब यहाँ के हो गए मोटा मोटा 160-170 रुपए। बिल्कुल प्राइजेस लेकिन सही है ना। यहाँ स्टोर में भी देखो भाई पिचकारियाँ बिक रही है, इनका जो फेस्टिवल आ रहा है ना 14 और 15 अप्रैल को, तो उसके लिए बेच रहे हैं देखो अलग अलग पिचकारी। हमने तो भाई ले लिया अपने लिए एक वो वाली ऑटोमेटिक वाली, जिसमें क्या था बिजली वाली मतलब इलेक्ट्रिक वाली। चलो जी होटल में वापस आ गया, मस्त आज तो पार्टी शार्टी हो गई काफी देर, 3:30 बज चुके रात के। फटाफट से ब्लॉग को करता हूँ शेड्यूल कल के लिए।